भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन चैनल पर क्राइम स्टोरी दिखाने का मतलब किसी अपराधी अपराधियों को बढ़ावा देना ना है। अपुन का एक किच फंडा है, लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। अपुन को 420 के वोल्ट का सपोर्ट देने के लिए अपने सभी भाई लोग का दिल से शुक्रिया। रे मामा, कैसा रे मजामा? भाई लोग आज चलते हैं हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर, बोले तो गुज्जू भाई लोग का इलाका गुजरात। बिडू गुजरात में एक छोकरा है, दिखने में एकदम ही वास्तव का रघु, गले में 50 तोले का गोल्ड पहनता है। मामा जब स्कॉर्पियो लेकर वडोदरा की सड़कों पे निकलता है तो साला माफिया राज का डंका बजता है। दादा का फेवरेट डायलॉग है, जय भगवान मालधारी बलवान। छोकरा अपनी मस्ती में रहता है, अपने लंगोटिया यार दोस्तों के लिए जिगर का टुकड़ा, मन किया तो गायों के लिए अखे गुजरात में आंदोलन छेड़ देता है। मन किया तो गुजरात के सीएम को भी वार्निंग दे डालता है। उसका खोपड़ा है लाजवाब, कारजे में रबारियों का तोड़ता हुआ खून, कोड़ी में हिंदुत्व वाला जुनून। उसको उंगली करने वाले का अक्के अक्का हाथ काट डालता है। ना किसी से डरता है, ना किसी के आगे झुकता है। दहशत भी उसको सलाम ठोकती है। उसकी एक पोस्ट फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर तहलका मचा डालती है। उसका एक किच ख्वाब है, माफिया राज को कायम करना। बोले तो गुजरात का मुंडी माफिया नयन रबार है, जो गाना भी गाता है और कांड भी करता है। क्या रे भाऊ, तेरा भी जलवा है रे। भाई लोग, अपुन ने गुजरात के बड़े बड़े डॉन गैंगस्टर माफिया लोग के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए, जिसमें हमने बात की ये ली। सरमन मुंजा जडेजा, संतोख बेन जडेजा, पिमादुला ओडेद्रा, राजू रिजालदा, रश्मिता गोहिल, बलिडांग, गैंग्स ऑफ गुजरात, गैंग्स ऑफ पोरबंदर। अगर आप गुजरात से हैं तो यह वीडियो जरूर देखें, ऐसी जानकारी कहीं ना मिलेंगी। रे मामा, नयन रबारी की बात शुरू करे उससे पहले ना सांड बन जाओ, और दो सब्सक्राइब बटन की ठोक दो लाइक बटन को, और दिल गार्डन गार्डन हो जाए तो वीडियो को शेयर कर देने का। भाई लोग, नयन रबारी जो अक्के गुजरात में नयन माफिया के नाम से जाना जाता है, नयन रबारी गुजरात के वडोदरा के मक्करपुरा का रहने वाला है। दादा के अंदर बचपन से ही माफिया किंग बनने का भूत सवार था। देखते ही देखते मारपीट, गुंडागर्दी, डराना धमकाना उसके लिए दाएं हाथ का खेल हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि नयन रबारी ने आज तक जितने भी कांड किए ले वह सारे अपने समाज के वास्ते किए ले, मगर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नयन रबारी का मुख्य धंधा है जमीन कब्जा, मारपीट, मर्डर। वही वडोदरा में नयन रबारी एक बड़ी गैंग चलाता है, जो अखे वडोदरा में मुन्ना माफिया गैंग से मशहूर है। कहा जाता है कि इसकी टोली में बावरे पंटरों की अखी जमात है, जिससे पंगा लेने के लिए बड़े बड़े भाव लोग भी 100 बार सोचते हैं। वहीं नयन रबारी मालधारी समाज यानी गौपालक समाज से बिलोंग करता है, जिस वास्ते उसके कलेजे में गौ माता के वास्ते बहुत ही प्यार है, जिसके चलते वडोदरा में गौ रक्षक यूनियन भी चलाता है। वहीं अपने रबारी समाज के किसी भी बंदे को अगर कोई दिक्कत होती है तो नयन रबारी उसके लिए आगे भी आता है और आवाज भी उठाता है। अब बात करें उस कांड की जिसने नयन रबारी को अखे गुजरात में मशहूर कर डाला था। दरअसल हुआ यूं कि पालनपुर का एक दलित समाज का छोकरा रबारी समाज की लड़की से प्यार कर बैठा। दोनों ने भाग के शादी करने का फैसला भी किया और दोनों भागे भी, मगर जब नयन रबारी को इस बात की भनक लग गई तो आग बबूला हो गया और बोलता है, अपुन के समाज की बहू बेटिया अपुन के लिए गुरु है, स्वाभिमान है। अगर अपुन के स्वाभिमान पे कोई उंगली करेगा तो अपुन उसका उंगली काट डालेगा। बाद में नयन रबारी की अक्की टोली सड़कों पे उतर आएगी, उस लड़के को उठा लिया, लड़की को अपने घर भेज दिया। इस कांड ने अक्के गुजरात में बवाल मचा डाला। एक और स्वाभिमान था, दूजी और आत्मरक्षा अभिव्यक्ति जीने की आजादी, बीच में लटकती हुई गुजरात पुलिस। फिर इस केस में नयन रबारी को पुलिस ने उठा लिया। मीडिया में न्यूज चली कि पालनपुर कोर्ट ने नयन रबारी को उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर ये बात अभी तक पक्की ना हुए। आज नयन रबारी बाहर है, तो ये थी नयन रबारी की बोल्टू पटाख हिस्ट्री। भाई लोग, कमेंट कर जरूर बताना आप नयन रबारी को किस नजरिए से देखते हैं, माफिया, डॉन, गैंगस्टर या फिर समाज सेवक। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।